अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज योर इंग्लिश टीचर मिस नविदा एजाज। स्टूडेंट्स, एज आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड क्वाइट सेफ एट होम इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आवर स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड आवर स्टडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। फॉर दिस लेट्स मूव टूवर्ड आवर बुक। दिस इज थर्ड एडिशन ऑफ न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 फॉर क्लास 7 बाय निकोलस हॉर्सबर्ग एंड क्लेयर हॉर्सबर्ग। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस बुक। दिस इज एडवेंचर्स ऑफ इजाबेल। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द वर्ड एडवेंचर्स वी गेट द मीन ऑफ दिस वर्ड एनकाउंटरिंग रिस्क, बोल्ड अंडरटेकिंग, डेयरिंग फीट। यानी कैसा काम जैसा रिस्क आप करें, कैजुअल रूटीन में वो ना होता हो, ठीक है ना, थोड़ा सा डर भी हो उसके बारे में, ठीक है ना, ना वो कैजुअल रूटीन में होता हो, यानी ना ही वो इतना इजी हो, ना डर हो के बाजुर्रत तरीके से जिस काम को सर अंजाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर। ठीक है, लेकिन दैट शुड बी गुड, और वो कैजुअल रूटीन में नहीं होता। दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम एडवेंचर्स ऑफ इजाबेल। फ्रॉम द सीनरी स्टूडेंट्स आई गेट द आइडिया दैट इजाबेल इज़ अ लिटिल गर्ल एंड विद अ पिक्चर ऑफ अ बिग बियर। ठीक है, बिग बियर मे बी शी फेसिस द बिग बियर लाइक एन एडवेंचर। देन द नेक्स्ट सीनरी इज द पिक्चर ऑफ एन ओल्ड लेडी विच इज प्रेजेंट द करेक्टर विच प्रेजेंट्स द करेक्टर ऑफ अ विच इन दिस पोएम। एंड द थर्ड सीनरी इज अ डॉक्टर विद द सेम लिटल गर्ल इजाबेल। First of all, let's move toward the poet, about the poet, Odin Nash, 1902-1971, was an American poet. He is known for writing light comic verse. Light means funny, ठीक है? Comic means humorous verse. Verse तो आपको पता है ना, poetry की एक जो line होती है, हम उसे verse बोलते हैं. बहुत humorous और funny poetry वो write, उन्होंने जो है वो compose की. He wrote ओवर 500 कॉमिक पोइम्स। उन्होंने 500 कॉमिक पोइम्स से ज़्यादा यानी ह्यूमरस पोइम्स राइट की हैं। फ्रॉम अ यंग एज ही लव टू राइम एंड वुड ऑफन मेक अप और अडेप्ट वर्ड्स इफ ही कुड नॉट फाइंड वन दैट राइम्ड। ठीक है, अगर उनको सूटेबल वर्ड नहीं मिलता था तो उसको अडेप्ट कर लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटे लेट्स मूव टूअर्ड द टाइटल ऑफ द पोइम। एंड फ्रॉम द टाइटल एंड From the title and scenery of the poem, I get the idea that it will be a daring and exciting experience which Isabel faces, and this poem will be tell the story of a little girl who has many challenges to overcome. Basically, this poem will show the courage of a little girl, no matter what hurdles can be, but she faces them bravely. And inshallah, I get the idea that the message of the poem will also be courage, confidence and bravery. Let's move towards the words to know. ठीक है, and the words this activity is under the heading of words to know. Words meaning cavernous. The word cavernous means a large dark cave like space. एक बहुत बड़ी बहुत ही तारीख cave like space. ठीक है, बहुत एक ऐसे space जैसे cave जैसे एक गार होती है, ठीक है ना, बहुत तारीख हो और बहुत बड़ी हो। फिर है हमारे पास कनकॉक्टर। कनकॉक्टर मीन्स मेकर, पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग। ठीक है, अ पर्सन हु मिक्सेस समथिंग और मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग, जो कुछ मिक्स करके कुछ बनाता हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्राउड, शाउट विद डिलाइट, ठीक है, खुशी से चलाना। नेक्स्ट वर्ड है बेटे हमारे पास हिडियस। हिडियस मीन वेरी अगली। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पिच, अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस मेड फ्रॉम टार। सो ब्लैक स्टिकी, ब्लैक एंड स्टिकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रैंकॉर, लॉन्ग स्टैंडिंग बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट, बहुत लंबी नाराजगी होना, ठीक है, और नफरत की एक नफरत का रूप धार लेना उसका, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेवनस। रेवनस मीन्स वेरी हंग्री। स्करी, स्करी मीन्स मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स।
Self-reliant means able to rely on and look after oneself. Mean to say self-confidence. Sprinkled, irregularly dispersed, randomly spread out. यानी कि आपके टीथ रिच के ऊपर, आपके गम्स के साथ जो आपके टीथ अटैच होते हैं, ठीक है, वो टीथ रिच होते हैं ना आपके, जहाँ पर आपके टीथ अटैच होते हैं, उसके ऊपर रेगुलर वे में टीथ का ना होना, बल्कि इरेगुलर वे में इधर उधर उनका स्प्रिंकल्ड, यानी कि इरेगुलर वे में स्प्रेड होना, ठीक है, इरेगुलर वे में उनका स्प्रेड आउट हो जाना, उसी का कुछ कुछ उधर होना, कुछ इधर होना, ठीक है, नॉट इन प्रॉपर वे, तो उनको हम बोलते हैं स्प्रिंकल्ड, इरेगुलरली डिस्पर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुई बैग, टोस्टेड क्रिस्प ब्रेड, टोस्टेड क्रिस्प ब्रेड, ठीक है ना। लेट्स मूव टूवर्ड द रीडिंग ऑफ दिस पोएम। Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? Now I shall eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. Students, I divided the poem in four parts. This is the first part of this poem, and in the first stanza, in the first part, we get the idea that Isabel met an enormous bear. Enormous mean huge, big. इसाबेल एक बहुत बड़े बियर से मिलती है, ठीक है। शी मेट एन इनॉर्मस बिग बियर। इसाबेल डिडंट केयर, शी डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग, दैट द बियर इज बिग, द बियर इज क्रूएल, द बियर कैन ईट हर, नो, शी डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवनस, रेवनस मीन्स वेरी हंग्री। बियर जो है वो बहुत भूखा था, ठीक है ना। द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूएल एंड कैवनस, बियर का इतना बड़ा फेस जो है, दैट वॉज लुकिंग क्रूएल एंड दैट वॉज कैवनस, लाइक केव लाइक स्पेस। यानी इसाबेल इज अ लिटल गर्ल, फॉर हर द बियर्स फेस इज क्रूएल एंड कैवनस, ठीक है। द बियर सेड, इसाबेल, ग्लैड टू मीट यू, आपसे तो मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। How do, Isabel? Now I shall eat you. अब मैं आपको कैसे खा सकता हूँ, यानी वो इसाबेल को थोड़ा horrified करता है, ठीक है, थोड़ा डराता है, ठीक है। यानी बात ही उसने ऐसे की है, उसको डरना तो चाहिए। Isabel didn't worry. But Isabel जो है वो तो थोड़ा सा भी परेशान नहीं होती है। Isabel didn't scream or scurry. She didn't cry, didn't shout, or didn't move quickly. She didn't run from that place. वो वहाँ से भागी भी नहीं, ठीक है ना। शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है बिहेव किया। हर एटीट्यूड शोज हर कॉन्फिडेंस। शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड देन शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप लाइक बॉयज। शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप विच शोज हर कॉन्फिडेंस, उसने अपने भाग सीधे किए, ठीक है ना। देन इसाबेल क्वाइटली एट द बियर अप, फिर बहुत क्वाइटली जो है बहुत ईजी वे में शी ग्रिल्ड द बियर एंड एट द बियर अप, ठीक है। दिस स्टांजा द पोएट डिस्कस द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ इसाबेल। द फर्स्ट एडवेंचर वी न्यू दैट शी मेट अ बियर एंड द बियर वॉज सो मच बिग, द बियर वॉज हंग्री एज वेल, द बियर वॉन्टेड टू ईट द इसाबेल, बट द इसाबेल डेयरिंग नेचर, द इसाबेल कॉन्फिडेंस एंड द इसाबेल एटीट्यूड शोज दैट शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द बियर एंड शी इज नॉट हॉरिफाइड, नथिंग मेक हर वरी एंड शी एटीट्यूड इन सच अ वे दैट शी किल्ड द बियर एंड एट द बियर अप।